बताओ इनका नाम रूपेंद्र पांडे पर हम इनको पंडित जी कहते हैं प्यार से। बताओ पंडित जी को बदनाम कर दो मच्छी। चलो बताओ भाई। अरे बताओ मैं कह रहा हूँ ना, मच्छी को पहले धुल देना है। किससे? वो तो तुम्हें पता ही है, नमक और आटे। खूब बढ़िया उसके अंदर बिल्कुल मवाद कुछ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल। उसके बाद उसको एक चम्मच डेढ़ चम्मच बेसन, एक चम्मच नमक, एक डेढ़ चम्मच हल्दी, उसमें खूब बढ़िया मिक्स करके और उसको ढक देने। अदरक उदरक कितना देर के लिए? 15 मिनट कम से कम, ऐसे ही रहेगा, सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद सरसों का तेल डालना है, खूब गर्म हो जाए तेल, बिल्कुल जल के पानी जैसे। अच्छा, तेल ये नहीं तेल डाला उसी टाइम डाल दिया। तेल खूब गर्म होना चाहिए, धुआं छोड़ दे उसमें, तब उसमें छोड़ दे, जल नहीं जाएगा तेल। चार से पाँच पाँच पीस तेल जल जाता है ना, वही तेल नुकसान नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलो। तो उसमें डालने दो से चार पीस और उसको फ्राई करके निकालने, बढ़िया लाल करारा, बिल्कुल करारा निकाल के रख देने। फिर मिक्सी मशीन हाँ। पीला वाला सरसों लाना है, पीला वाला सरसों, सरसों का तेल, सरसों साबुत सरसों। अच्छा सब वो पीला फूल वो कहाँ मिलेगा यहाँ? वो कहाँ मिलेगा देहरादून में? किसी भी दुकान में मिल जाएगा पीला वाला सरसों। फूल? हाँ उसका फूल नहीं, उसका दाने। अच्छा सरसों के दाने। अच्छा सरसों दाने लाने हैं, वो जितने मच्छी है उसके हिसाब से बनाने। अगर आधा किलो मच्छी है, एक किलो मच्छी हमारी, एक किलो मच्छी है तो 150 ग्राम सरसों। अच्छा 100 ग्राम उसमें 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम लहसुन और 2-3-5-6 मिर्ची, और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला उसमें डाल देना। उसको बढ़िया से मिक्सी मशीन में बिल्कुल बारीक पीस लेना, पानी डाल के थोड़ा सा, मिक्सी मशीन आधे कप पानी डाल के खूब बढ़िया पीस लेना। आप भी ऐसे बनाते हो? हाँ, और उसको निकाल देने हैं। ठीक, निकालने के बाद मजा आ जाएगा। सौंफ, मेथी, जवाइन, अजवाइन को अचार मसाला, अचार का मसाला मिलता है 5 रुपया का, अचार मसाला जैसा अचार बनता है, समझिए हम। तो तेल जो बटे का कढ़ाई में उसमें अचार मसाला डाल देने हैं पूरे। ठीक, इतना सा अचार मसाला डाल देने हैं, उसको लाल कर देना, जला कर फिट हो गया मामला। उसके बाद सारे मसाला उसमें डाल देना है, फिर उसको खूब भूजते रहना है मसाले को। अच्छा। जब तक लाल ना हो, लाल हो जाए बिल्कुल मसाला सेट हो जाए, तब उसमें टमाटर डाल देने हैं। अच्छा, टमाटर डाल के उसको भी खूब मजा आना चाहिए भाई, खूब पका देने हैं टमाटर को भी। टमाटर मतलब बिल्कुल भीन जाए, नहीं जैसे साबुत टमाटर रह जाए, टमाटर को खूब पका देने हैं और तब उसमें पानी डाल देने हैं। एक मग्गा चाहे जितना भी खा सकते, दो आदमी है तो ज़्यादा, एक गिलास सवा गिलास, जिससे मसाला भी पतला ना हो, मसाला गाढ़ा रहे बिल्कुल। तब डाल के तब उसको खूब पका के 2-3 बार मतलब पानी पका, तब मच्छी उसमें रखनी है अलग अलग, उसको तलानी नहीं है फिर ऐसे मच्छी को, मच्छी रख के और 1-2 डबका लगा के उतार देंगे। तब तरी नहीं बनेगी फिर? तो तरी क्यों नहीं बनेगा, तरी नहीं बनेगा, तरी बनेगा, जबरदस्त तरी बनेगा। चावल से खाओ चाहे रोटी से, चावल से ज़्यादा सही रहेगा, मज़ा आ जाएगा। हाँ, मच्छी ऐसे बनता है, मच्छी में दही दूध थोड़ी ना डाला जाता है, मच्छी मुर्गा में दही नहीं डाला जाता। चलो शुक्रिया आपका, हाथ जोड़ के शुक्रिया तो बोल दो, ऐसे काट दे, ऐसे बोलो, ऐसे कर दो, ऐसे बोल दो, थैंक यू। हाँ थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू। चलो।